अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ई मान में रखें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं बस आज कल बच्चे ना कुछ बीमार हुए हुए हैं तो क्योंकि मौसम इस तरह का है वायरल हुआ हुआ है फ़्लू फ़ीवर जिसे देखें यही चल रहा है बस अल्लाह ताला सब सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें तो मेडिसिन वगैरह दे रही हूँ बच्चों की आजकल ना स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हुए हुए तो आज मैंने बच्चों को ना छुट्टी करवा दी थी क्योंकि फिर कल से इनकी स्पोर्ट्स वगैरह इन्होंने जाना है तो उसकी मैंने ना इनकी शर्ट्स वगैरह भी लेने आज मार्केट जाना है तो फिर आगे आपको दिखाऊँगी दि मैं अच्छा सुबह का जो लोग मैंने स्टार्ट किया था नाश्ते से नाश्ता वगैरह कर लिया तो उसके बाद ना मैंने रात को ये जो लोबिया होता है ना इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था तो सुबह तकरीबन पाँच मिनट में ये अच्छे तरीके से ना इसको मैंने प्रेशर लगाया तो ये गल गया था तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं फिर आज आ गई थी मार्केट क्योंकि ना मैंने बच्चों की वो स्पोर्ट की कुछ चीज़ें लेनी थी इनकी कुछ रिबनस वगैरह थे शर्ट्स थी इस तरह की चीज़ें तो यहाँ से मैं गुजर रही थी तो यहाँ पर ना एक बैग्स की न्यू शॉप ये यहाँ पर ओपन हुई है पहले मैंने कभी नहीं देखी तो काफ़ी अच्छे बैग्स थे आई थिंक इंपॉर्टेंट बैग्स जो होते ना वो थे तो बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी थी तो मैं यहाँ पे बस देख रही थी मैंने सोचा चले बाद में ना मैं विज़िट करूँगी यहाँ पे कुछ लेना होगा तो बस बच्चों की चीज़ें लेनी थी मैंने आ, बच्चे घर पे ही थे बस मैं खतीजा को साथ लेके गई थी तो उनकी जो शर्ट्स वगैरह थी वो मैं भी ले आई थी साथ जो उनकी दूसरी चीज़ें लेनी थी रिबनस वगैरह थे और कुछ इनकी काफ़ी सारी चीज़ें ना लिस्ट बनाई हुई थी वो मैं ले आई थी तो भी मैं शर्ट्स के ना साइज़ चेक कर रही थी वो खतीजा जो साथ थी तो उसका तो मैंने साइज़ देख लिया था मोमना और अब्दुल्ला का मैं साइज़ चेक करवा रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक ही आ गए थे सारे साइजेस ना तो मैं बच्चों को कह रही थी कि छोड़ो स्पोर्ट पे ना आ जाओ आप लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं बस बच्चे एक्साइटेड होते हैं इनको बहुत शौक़ होता है बस के पढ़ाई पढ़ाई करने के बाद ना फिर इस तरह का वन वीक इनका स्पोर्ट का आता है उसके बाद फिर इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं तो बस बच्चों की खुशी होती है फिर मैं ये शर्ट्स वगैरह चेक कर रही थी मोमना अपनी ओपन करके देख रही थी कि क्या साइज़ ठीक है अच्छा यहाँ पे ना टीमें हैं इनकी ना ब्लू टीम और येलो टीम इन्होंने बनाई है तो ममना अब्दुल्ला खतीजा तीनों ही येलो में हैं तो अब देखते हैं आगे अच्छा ये ब्लॉग ना मैंने आ, दो दिन का मिक्स करके बनाया है तो ये सेकेंड डे है ये स्कूल चले गए थे तो माशाला मोमना और खतीजा दोनों विन करके आई हैं गेम्स में तो इनको मेडल्स मिले हैं तो टू डेज थे गर्ल्स के और टू डेज़ हैं बॉयज़ के तो अब्दुल्ला अब, अब कल जाएंगे क्योंकि अब्दुल्ला को ना काफ़ी खांसी हुई हुई है तो उनके बाबा कह रहे थे कि इसको ना छुट्टी करवा दो लेकिन देखती हूँ कि अब्दुल्ला को भेजती हूँ तो इधर हो गई थी शाम खाना खा, वगैरह खाने के बाद ना तो फिर हस्बैंड ना कह रहे थे कि चलो ना बच्चों को जूस बना के दे दी क्योंकि इनको ना डॉक्टर ने दूध वगैरह इनको कहा कि नहीं भी पिलाना खांसी है तो गाजर का जूस बच्चों को बना के दिया था और अभी बच्चों के लिए बनाने लगी थी विंग्स यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था तकरीबन हाफ के जी था और इसके अंदर अधिक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच शामिल कर दिया है नमक आधा चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ और दो दूसरी होता है उसका लाल मिर्च का पाउडर वो इसमें शामिल किया है और तिक्का मसाला दो चम्मच इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक लेमन जूस आपने शामिल कर देना है अच्छा इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन तो तीन चम्मच ताकि ना अच्छा सा पेस्ट बन जाए और सारा जो पीसीस के ऊपर ना सारा मिक्सर लग जाए अच्छा आप लोग पहले पेस्ट भी बना सकते हैं चिकन बाद में इसमें शामिल कर दें तो बस अब ये क्विक तरीका ही है कि चिकन मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो सारी मैंने स्पाइसेस वगैरह इसमें शामिल कर दी हैं और आप हाथों की मदद मतलब से अच्छे तरीके से इसके ऊपर सारा ये मसाला लगा के इसको रख दें तकरीबन एक से दो घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था मैदा एक कप उसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक और चाट मसाला जस्ट वो मैंने इसमें शामिल करके तो अब इसकी कोटिंग कर रही हूँ अच्छा इसका कोई अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं है मैंने तीन चार तरीकों से मैंने ये जो विंग्स हो गए रोस्ट हो गया मैंने ना ट्राई करके देखा सबसे बेस्ट तरीका यही है एक इसमें तरीका था कि ठंडा या गर्म पानी की कोटिंग करके फिर आप दोबारा फिर इसकी मिक्सर की कोटिंग करें तो उससे ना जो ऊपर क्रिस्प होता है ना बहुत हार्ड हो जाता है तो बस आपने जस्ट एक इसी की कोटिंग करनी वो भी अच्छे तरीके से करनी करने के बाद जब आपने ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा आपने जब ये पीसिस के अंदर शामिल करनी है ना तो इसको अच्छे तरीके से झाड़ लेना है ये देखें इस तरीके से ना ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो ऊपर लगा हुआ मैदा जस्ट वो सारा डस्ट हो जाएगा और सारा रिमूव हो जाएगा तो वो बहुत अच्छी इसकी ना कोटिंग फिक्स रहती है तो बस ये सारे इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी अच्छा मेरी कोशिश यही होती है कि एक ही पेयर में ना सारे पीसेस मेरे रेडी हो जाए ताकि ना बार बार वेट ना करना पड़े तो बस मैंने हाफ ही अभी मैंने कुक किए क्योंकि बच्चों ने खाने थे तो मुझे तो लोबिया पसंद है मेरे हस्बैंड लोबिया के साथ ही खाना खाएंगे बस बच्चों को था कि हम लोगों ने विंग्स खाने हैं आज तो उनके लिए बना रही बाकी ना मैंने इसी तरह कोटिंग करके तो उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया ताकि जब बच्चों का मूड होगा तो मैं उनको दोबारा से फ्राई कर दूँगी ये देखेंगे कि मेरे बैच में ना सारे मेरी जो है पीसीस वो सारे कुक हो जाएंगे तो बस मैं थोड़ी सी जगह बस कहते ना कि थोड़ी सी आप जग दिल बड़ा होना चाहिए जगह खुद ब खुद बन जाती है तो वही बात है कि जगह बस बन गई पीसीस की ये सारे कुक हो जाएंगे तो बस जल्दी से मैंने ये सारे मैंने फ्राई कर लिए तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट लगते हैं और तो चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाता है अंदर तक तो साथ मैंने बच्चों के लिए गर्मा गर्म बना ली थी पूड़ियाँ क्योंकि फिर ना मैं कहती हूँ कि एक ना पूरा प्रॉपर मील बन जाए ये ना कि बच्चे तो कहते हैं हम खा लेंगे ऐसी ना पीसी सी खाएँगे तो मेरी ये कोशिश होती है कि साथ चलें कोई रोटी वगैरह भी, भी हो तो बच्चों का पेट तो भर जाए तो साथ पुड़ियाँ बना ली थी अब बच्चों ने खाना वगैरह माशाल्लाह खा लिया था मैं भी फारग हो चुकी थी इसी के साथ आज का ब्लॉग करूंगी यहाँ पे एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जी अल्लाह हाफिज़